छत्तीसगढ़ के जिला बालोद मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर भैंसपोर शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं विगत 4-5 दिन से अचानक बेहोश हो रही हैं। ग्रामीण इसे भूत प्रेत का साया समझ रहे हैं। इस तरह की घटना पिछले नवंबर अक्टूबर में भी घटी थी, तब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल संज्ञान में लेकर उपचार किया था। फिर वही घटना अब और हो रही है। पदस्थ प्राचार्य आरएस रायपुरिया ने बताया कि बच्चे अचानक बेहोश हो गए। मैंने इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालोद को दी है। उन्होंने तत्काल संज्ञान में लेकर एक स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी है। इन घटनाओं से ग्रामीण काफी भयभीत है और कुछ लोग की माने तो झाड़ फूक भी करवा रही है, जबकि डॉक्टरों का कहना है ये मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों के मन से घटित घटना है, शायद मानसिक रूप से बच्चों में वहम बैठ गया है। वास्तव में क्या है कि भैंसपुर जो डोंडी विकास खंड में पड़ता है, वहाँ के जो उच्चतर माध्यमिक शाला के जो प्राचार्य हैं वो मेरे पास आए थे। उन्होंने जानकारी दी कि कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है और बेहोशी की हालत में आ जाते हैं, तो मैंने तत्काल संज्ञान में लेकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डोंडी है उनको निर्देश दिया है और टीम भी गठित कर दी है जो प्रातः जाकर पूरी खोजबीन करेगी और यथासंभव जो भी उपचार होगा हमारे स्वास्थ्य हमले के द्वारा किया जाएगा। अभी तक का मेरा अनुभव कहता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कोई बच्चा एक बेहोश होता है तो उसको देख के फिर बहुत सारे उसके असर में आ जाते हैं, और मैंने वीडियो भी देखा है तो जिस प्रकार से कुछ लोगों को लग सकता है कि देवी देवता से संबंधित है, लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों के ऊपर असर हुआ।